चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ में जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एडवोकेट प्रमोद कुमार। प्रमोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रमोद जी मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके से आज पूरे देश में हिंदू हिंदू की रट लगाई जा रही है और जो हिंदू कहे वही भाजपा का साथी बाकी सब गद्दार, तो इसके बारे में हिंदू होने का क्या मतलब है? बहुत बेहतरीन सवाल किया सबसे पहले आपने बुलाया, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। और अक्सर मैं इन सवालों का जवाब नहीं देता हूँ क्योंकि मेरा हिंदू मुसलमान सबको आपको पता है कि देश को डेमोक्रेसी से ज्योक्रेसी की तरफ लिए हुए जा रहा है, इस पर सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझता। लेकिन जब आपने सवाल कर दिया तो आपको मैं बता देता हूँ, इस देश में कोई भी साधारण हिंदू बहुत आसानी से इस बात को समझा सकता है, बहुत आसानी से कोई भी व्यक्ति समझा सकता है कि हिंदू होने का मतलब आखिर क्या है। और आप एहसास बदलते चले जाइए, हिंदू धर्म के मायने बदलता चला जाएगा। आप जगह बदलते चले जाइए और राम और रामायण की जो कहानियां हैं वो बदलती चली जाएगी। ऐसे दौर में जब नकली भोगी और नकली जोगी रंग बदलकर आपके सामने खड़ा है तब हमें ये सवाल उठाना पड़ता है, और आप जैसे लोग भी सवाल उठाते हैं और उठाना भी चाहिए। क्योंकि आज सवाल क्या है कि इस देश में, ये देश जो है गंगा और जमुना की तहजीब के लिए जानी जाती है, ये देश लोकतांत्रिक परंपराओं को जीता है, इस देश का संविधान लोकतांत्रिक परंपराओं को जीता है। और तब जब ये सवाल उठाया जाता है हिंदू मुस्लिम ही आखिर क्यों, जब इस देश में सभी धर्मों को रहने का अधिकार दिया, जब इस देश में सभी लोगों को व्यवसाय करने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो प्रस्तावना की पहली भूमिका है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें ये कहां लिखा है वी द हिंदू ऑफ इंडिया, वी द मुस्लिम ऑफ इंडिया, वी द क्रिश्चियन ऑफ इंडिया, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, उसमें आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को कहां बांट रहे हैं? हमारी परंपरा, जिन परंपराओं को हम जीते हैं उसमें बड़े अरमान से राष्ट्रीय पर्व पर हम गाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो ये जो आज जो हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू हिंदू कर रहे हैं, ये तो हमारी गंगा और जमुना की तहजीब को नष्ट करने में लगे हैं, हमारी पौराणिक इतिहासों को नष्ट करने में लगे हैं, अहंकार है ये। एक कहानी आप लोग सुने होंगे कि जब राजा नंद के दरवाजे पर जब चाणक पहुंचे और वहां पर जो है मदिरा पान चल रहा था और चाणक ने जब समय मांगा राजा नंद से तो उन्होंने समय नहीं दिया, तो उन्होंने चाणक ने एक समान युवक को चंद्रगुप्त मौर्य को रोड से उठा करके और वहां का सेनापति बना दिया। ये तो आपने सुना होगा। तो सवाल ये है कि यहां पर जो सन्यासी है, जो भगवाधारी है, वो खुद सेनापति बन जा रहा है, वो चाणक्य के रूप में कहां आ रहा है? अच्छा प्रमोद जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि इस वक्त में पूरे देश को भगवा में किया जा रहा है, मतलब उसको भगवा सा मतलब ये है कि पूरे देश को भाजपा से जोड़ा जा रहा है या भाजपा के रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपके दो जो प्रश्न है उसका मैं दो पार्ट में जवाब दूंगा। एक तो हिंदू क्या होता है और दूसरा कि हिंदू हिंदू क्यों किया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो इस देश में कोई भी साधारण सा व्यक्ति जो हिंदू है वो बहुत आसानी से इस बात का जवाब आपको समझा सकता है कि हिंदू होने का मतलब क्या है। और आप एहसास बदलते चले जाइए, इस देश के जो है किसी भी कोने से दूसरे कोने तक, तो हिंदू धर्म का, राम का और रामायण का जो मायने है वो बदलता चला जाएगा। आप जगह बदलते जाइए, राम और रामायण की कहानियां बदलती चली जाएगी। तो मैं तो ये समझता हूं कि हिंदू हिंदू बोलना अपने आप में हमारी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया संविधान है उसके परंपरा के खिलाफ है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है
कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी हिंदू और मुस्लिम होने की इजाजत नहीं देता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और इस भारत में सभी लोग हैं। ये हिंदू और मुसलमान गंगा और जमुना की तहजीब से जाना जाता है। अब जो है आपने सुना होगा ये भगवा आपने सुना होगा, अक्सर आजकल भगवा आरएसएस से जोड़कर लोग बोल देते हैं, लेकिन क्या है कि भगवा रंग का इतिहास जो है वो आरएसएस के इतिहास से बहुत बहुत पहले का है। आरएसएस मेरे ख्याल से 1925 के आसपास बनी। अब जिसका अभी तक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट तो है नहीं, अब लोग कहते हैं तो मैं भी मान लेता हूं। 1925 में आरएसएस बनी। महात्मा बुद्ध आज से 600 ईसा पूर्व पैदा हुए। महात्मा बुद्ध का जो रंग था वो भगवा था। इसके अलावा जो समाजी महाराज थे उनका रंग भगवा था। अन्ना राव साहू नाम था जिनका, उनका रंग भगवा था, उनके आंदोलन का रंग भगवा था। इसके अलावा कर्नाटक में महात्मा बसव जो कि भगवान बुद्ध के दिशा में चलने वाले महात्मा थे, उनका रंग भगवा था। इस देश के अंदर त्याग का रंग भगवा है, इस देश के अंदर अमन का रंग भगवा था। और आज क्या है इस देश में, क्या है कि भगवा जो है वो भोग का रंग भगवा देने की कोशिश कर दी गई, भोग का रंग भगवा। ये हमारा पौराणिक इतिहास नहीं था, ये हमारी दलीलें नहीं थी। तो ये जो हमारे जो ये जो एंसेस्टर हुए, इस भगवान बुद्ध हुए, समाजी महाराज हुए, महात्मा बसव हुए, उनके कॉन्सेप्ट को छीन कर उनके साथ मजाक किया जा रहा है। आज भोग का रंग, सन्यासी का रंग भगवा हुआ करता था, आज भोग का रंग भगवा बना दिया गया। तो यही है, ये जो भगवा के चरित्र का, अगर आज के भगवा और भगवा के चरित्र का मतलब समझ जाए तो आप हिंदू का मतलब समझ जाए। चलिए बहुत बढ़िया कहा आपने प्रमोद जी। और मेरा अंत में आपसे ये सवाल है कि आजकल आपने देखा होगा कि पूरे न्यूज चैनल्स पर मीडिया में असली मुद्दों से भटका कर पूरे मीडिया में मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान पर बहस हो रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सर बात तो ये है कि मैं इन इस प्रश्नों में उलझना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये जो सीताराम और राम सीता, ये राजनीति, भ्रष्ट राजनीति का पर्याय बन चुका है। मैं भी हिंदू धर्म से आता हूँ, यही सच्चाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी हिंदू और राम और जय श्री राम पर बोल करके किसी की गला रेत दे, किसी के साथ दुर्व्यवहार करे, गंगा जमुना की तहजीब को नष्ट कर दे, ऐसा नहीं है। आरएसएस से मुझे लगता है कि जय श्री राम की उत्पत्ति हुई है, जय श्री राम की। बाकी तो मैं जिस प्रदेश से आता हूँ वहां पर राम जी का ससुराल है, तो हम लोग वहां सीताराम बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं, जय श्री राम नहीं बोलते। तो ये जय श्री राम की उत्पत्ति आरएसएस से हुई, मतलब 1925 के बाद जय श्री राम की उत्पत्ति हुई। उससे पहले श्री सिया सीताराम था, सीताराम था, राम सीता थे, लेकिन उसके बाद ये 1925 में आरएसएस पैदा होते कॉन्सेप्ट बदल दिया। तो आरएसएस इस मुल्क में सिर्फ बुनियादी तौर पर हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, इस बुनियादी तौर पर इस मुल्क में महिलाओं के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है। और इस देश की परंपरा, इस देश की संस्कृति, इस देश में वो तमाम धर्मों के खिलाफ है जिसकी पौराणिक कथाएं हमारे मानवता के, हिंदू मुस्लिम के तहजीब को, गंगा जमुना की तहजीब को जोड़ता है। आज अगर आप देखें तो दो चीजें आपको इस देश में दिखेगी। एक तो यह है कि आप मुझे एक बात बताएं, जितने भी देवी देवता पैदा हुए, कहीं भी पहले स्त्री का नाम आया है? हमारे यहां सीताराम बोली जाती है, जय श्री राम नहीं बोली जाती, राधे कृष्ण बोली जाती है, क्योंकि स्त्री प्रधान समाज हुआ करता था, तब स्त्री देवी के बराबर हुआ करती थी।
आज भी है। तो ये स्त्री, चूंकि ये स्त्री के विरोधी हैं, ये स्त्री का काम पुरुष के साथ करते हैं, यही सच्चाई है, इसलिए स्त्री के विरोधी हैं। तो मुख्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो हिंदू धर्म में बहुत सारी विविधताओं की बात कही गई है। आप अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो राम के भजन, उनका जो कीर्तन है, उसमें भी आपको अंतर अता पता में अंतर मिलेगा। हमारे यहां लोग अक्सर बोलते हैं कि सीताराम, अब राम से पहले सीता का नाम आता है, कृष्ण में राधे कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है। कोई भी अनुष्ठान आप देख लीजिए तो वहां पर सबसे पहले संगीत में जो है वो वंदना, राम का वंदना पहले नहीं गाया जाता, वहां पर गणेश स्तुति पहले गाई जाती है। ये तो पूरे धर्म और पूरे कह सकते हैं परंपरा को ही खत्म कर देना चाहते हैं। तो सीता राम को, राम राम को, ये जय श्री राम के नोट में बदलकर परंपरा को तोड़ना चाहते हैं, मैं इतना ही कहूंगा। ये पूरे के पूरे विमर्श को उलट के पुलटना चाहते हैं। विमर्श को हम चुपचाप बर्दाश्त अगर कर रहे हैं तो वो एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट ला देंगे। मैं एक चीज आपको कहूंगा, इस देश में ऐसा बोल करो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। और इस देश में क्या हालात है कि इस देश मोदी देश नहीं है, आरएसएस इस देश का संविधान नहीं है, और जो मनुस्मृति है वो इस देश का कानून नहीं है और न होने दिया जाएगा, हम लोग होने भी नहीं देंगे। सवाल क्या है, ऐसा बोलकर गुमराह किया जा रहा है ना, कि आप अपना नैरेटिव नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, आपके पास नैरेटिव को खड़ा करने के लिए कुछ है नहीं। वो जो दिखा रहे हैं वो लोग देख रहे हैं, वो जो दिखा रहे हैं उसके खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो आपको जो है ट्रोल किया जाएगा। और एक बहुत संक्षेप में आपको बता दूं आपके प्रश्न का जवाब, आपने कहा कि ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अगर आप इस देश में हिंदू हैं और अगर आप बीजेपी के सपोर्टर नहीं है तो आप मुस्लिम हैं, गद्दार हैं। अगर आप सिख हैं और अगर आप बीजेपी आरएसएस सपोर्टर नहीं है तो आप खालिस्तानी हैं। अगर आप दलित हैं, पिछड़े से आते हैं, बीजेपी के सपोर्टर नहीं है तो आप नक्सली हैं, नक्सलवाद को आप सपोर्ट करते हैं। और अगर आप हिंदू हैं और अगर हिंदू में अगर आप कोई और कम्युनिटी से आते हैं और आप सपोर्ट नहीं करते तो आप जो है गद्दार हैं, आप देशद्रोही हैं। और अगर आप मुस्लिम हैं और अगर हिंदू आप बीजेपी का सपोर्ट आरएसएस सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप पाकिस्तानी हैं। एक ऐसा नैरेटिव बना दिया गया देश में, तो देश के संविधान को बदल ही दीजिए आप। फिर तो प्रतिपक्ष नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रतिपक्ष में आवाज उठाना देशद्रोही कहलाता है। ऐसा नैरेटिव बना दिया गया। जी चलिए प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमसे जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, चर्चा में आप हमारे साथ में बने रहिए। अभी आपके लिए लेकर आएंगे हम देश विदेश की और भी तरीन ताजा खबरें। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप जो आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, दिमाग को तेज करने के साथ साथ पढ़ाई के वक्त आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्लिनिकली टेस्टेड रामबाण सिरप है कि इसको ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों से बनाया गया है, यानी इस्तेमाल की गई जड़ी बूटियों को जहरीले केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स या खाद से तैयार नहीं किया गया और ये पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। माई मेमोरी स्मार्ट मेमोरी, आई एम स्मार्ट गर्ल, आर यू?